बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास, हम अपने ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम एक्सरसाइज 17E के बारे में पढ़ रहे थे, तो जिसके आज हमने क्वेश्चन नंबर एट पढ़ना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपने फाइंड आउट करना है, यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास ये इनर वाली साइड जो है, इनर वाली शेप, ये भी स्क्वायर है और आउटर शेप जो है वो भी स्क्वायर है। यानी कि हमने लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर की, लेंथ ऑफ इनर स्क्वायर 9 मीटर है और लेंथ ऑफ आउटर स्क्वायर जो है वो आपके पास 15 मीटर है। तो पहले आपने इनर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है और आउटर स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का क्या आ जाएगा, आउटर स्क्वायर का एरिया डिफरेंस कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनर स्क्वायर का एरिया। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा शेडेड एरिया का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ कवर्ड बाई 1050 टाइल्स, ईच टाइल मेजरिंग 20 सेंटीमीटर। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर इतनी टाइलें लगाई हुई हैं और हर टाइल का एरिया जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो टोटल टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल ये दिया हुआ है। अब सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर दोनों बोथ साइड पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, तो 1 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा 1/10,000 मीटर। तो उसके बाद 20 सेंटीमीटर का हमने निकालना है, तो 20 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 20 सेंटीमीटर का आ जाएगा एरिया, 0.002 मीटर। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या आ जाएगा आपके पास, जितनी टाइलें थी उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये जो आपके पास आंसर आया है, तो ये एरिया ऑफ फ्लोर का आया है। कि हमारे पास क्या था, 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो दोनों साइड पर आपने स्क्वायर अप्लाई कर दिया है, फिर ये आ गया 1 सेंटीमीटर का हमने निकालना है, 20 सेंटीमीटर का निकालना है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 20 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये एरिया आएगा, टोटल टाइल से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम 12 मीटर/9 मीटर ऑफ 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। है कि आपने टाइलिंग लगाने का खर्च फाइंड आउट करना है जबकि रूम की लेंथ और वेड गिवन है। तो पहले आप इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ रेक्टेंगल फॉर्म है, लेंथ मल्टीप्लाई वेड वाला फार्मूला लगा के एरिया निकालेंगे और कॉस्ट एट 1 स्क्वायर मीटर पे जो कॉस्ट है 50 रुपीज़ है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यही आपने लर्न भी करना है, होमवर्क में भी करना है। अल्लाह हाफिज़ जी।